हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल लुमान मेडिसिन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं लाइसोबिट सिरप के बारे में। क्या होता है लाइसोबिट सिरप, किन किन इस्तेमालों में इसको लिया जाता है, कौन इसको ले सकता है, कौन नहीं ले सकता है, क्या इसके यूज होते हैं, क्या इसका अंदर कॉम्पोजन डाले हुए कंपनी ने और क्या इसकी डोज होती है, सब कुछ एक एक चीज हम आपको डिटेल से बताएंगे। अगर आपको वीडियो पूरा देखेंगे तो आप एक एक चीज इसकी डीपली अच्छे से समझ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं वीडियो में। तो ये जो लाइसोबिट जो सिरप होता है दोस्तों, इसको बनाने वाली कंपनी का नाम है फाइजर कंपनी। इसको मैन्युफैक्चरिंग करती है, बनाती है। इसकी पैकिंग की बात करें दोस्तों, तो ये 120 ml में आपको मिल जाती है। 123 रुपए इसकी एमआरपी रहती है, 123 रुपीज इसका प्राइस रहता है। पैकिंग आप इसकी साइड में देख ही सकते हैं, इस तरीके की देखने में होती है। ये जो होता है ये डाइटरी सप्लीमेंट होता है एक, तो इसके अंदर जो कॉम्पोजन होता है, इसके अंदर जो सॉल्ट होते हैं, इसके अंदर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है दोस्तों, विटामिन सी होता है और इसके अलावा लाइसिन होता है। तीन तरीके के कंपोजिशन से मिलकर ये सिरप बनती है। बात करते हैं यूजेस की, इसके इसके इस्तेमाल की। इसका जो बेनिफिट्स होता है दोस्तों, इसका इस्तेमाल होता है विटामिन की डिफिशियंसी में। जैसे कि आपकी बॉडी में विटामिन की डिफिशियंसी हो जाती है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की डिफिशियंसी हो जाती है, विटामिन सी की कमी हो जाती है, तब इसको लेने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा न्यूट्रिशन डिफिशियंसी अगर किसी की बॉडी में, या फिर वो प्रेगनेंसी के कारण हुई हो न्यूट्रिशन डिफिशियंसी, या फिर वो कोई अच्छे से फूड अपना खाना डाइट नहीं मेंटेन कर पा रहा, नहीं ले पा रहा डाइट, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी हो जाती है, तो उन लोगों को लेने के लिए भी इस सिरप की सलाह दी जाती है। इसके अलावा दोस्तों, बीमारी को ठीक करने के लिए, जैसे कि किसी को बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, जैसे कि उसका इम्यून सिस्टम जो वो वीक हो जाता है, इम्यून सिस्टम जब वीक हो जाता है तो उसकी बॉडी में बीमारी जो है एंटर कर जाती है और आसानी से उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पाती है, जैसे कि बुखार खांसी जुकाम उसको लगा रहता है बार बार, तो उसको ठीक करने के इस्तेमाल में ली जाती है। जैसे कि ये इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है, जिससे कि आपको बार बार बीमारी नहीं लगेगी या फिर आपकी बीमारी जो इजिली ठीक हो जाएगी। इसके अलावा डाइजेशन के इम्प्रूव करता है, किसी का पेट वगैरह खराब रहता है तो उसके इम्प्रूव करता है ये। इसके अलावा अगर किसी की बॉडी में एनीमिया है, खून की कमी है, तो वो लोग इसको ले सकते हैं। कमजोरी की लगती है किसी को, वीकनेस लगती है, तो वीकनेस की वजह से चक्कर आते हैं, तो वो लोग भी इस सिरप को ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, किसी अन्य यूज में भी डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के आधार पर इसको ले सकते हैं। ये तो वो इसके फायदे यूज। अब बात करते हैं इसके डोज की। तो इसकी जो डोज होती है, वैसे तो कोई भी दवा की जो डोज है वो मरीज की एज, वेट, सीवियरिटी, इन सब चीजों पर निर्भर करती है। तो इसकी जो एडल्ट डोज होती है दोस्तों, 1 से 2 टी स्पून फुल सुबह शाम लेने की सलाह दी जाती है। मतलब 1 से 2 चम्मच, या तो दो, अगर जैसे आपकी कंडीशन पे डिपेंड करता है वो, तो 1 चम्मच सुबह शाम भी ली जा सकती है और 2-2 चम्मच सुबह शाम भी ली जा सकती है, वो कंडीशन पे निर्भर करता है। तो दोस्तों, ये होता है लाइसोबिट सिरप। कैसी लगी आपको ये जानकारी? काफी अच्छे से हमने आपको एक चीज बारीकी से समझाई। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। हम आपके लिए ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो इस चैनल पर बनाकर डालते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल फिर नई वीडियो एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच।